अब बस एक 24 घंटे के बाद ही लगभग ना सही देने का। वो तो अच्छा, सब कुछ तो नहीं हो सका, कुछ तो बाकी जरूर है गांव ग्राम में। जैसे नला नहीं बना है, रास्ता नहीं बनी है, हम लोग आशा करते हैं वो भी करेगी इस बार। फिर आप लोग बबीता जी को समर्थन, हम लोग इन लोग का, इन्हीं का समर्थन करेंगे क्योंकि हम लोग की बहुत प्यारी है। तो बिल्कुल, और भी कुछ महिलाएं हैं, बताइए आप लोग काहे घबरा रहे हो तोरनी? तोरनी की समस्या है? सब ठीक है, बोलका था की चाहे हो कि नहीं होले काम? जी जी नहीं गेले से करते जीते तो अभी अभी वोट देबो। हां वोट ने दे ककरा? बबीता देवी दे। हां जरूर देंगे, मेरा गांव वाला है, किसने देंगे, गांव वाला से सहयोग सब कुछ होता है। यहाँ कुछ पुरुष भाई भी हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। आपके क्षेत्र से पंचायत समिति सदस्य की बबीता देवी इस बार प्रत्याशी हैं, कैसा आप लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सबसे पहले तो न्यूज लाइन वाले को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे क्षेत्र में आए और हमारे प्रतिनिधि के लिए आप इतना अच्छा सोच रखे हैं कि उनके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहें। बबीता देवी का कार्यकाल पिछले 5 वर्ष या कहे 7 वर्ष का बहुत ही सराहनीय रहा है। ये जो प्रमुख पद पर इन्होंने रहकर अपने सिर्फ पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा योगदान दिया है और मनरेगा के कार्य में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा था जिसके वजह से इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित में सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से इनको 25 लाख का फंड भी मिला था और इस 25 लाख का फंड में इन्होंने अपने ही पंचायत की नहीं बल्कि पूरे प्रखंड में इन्होंने अपना विकास का काम किया है। अगर हम अपने गांव की बात करें तो यहाँ एक हमारे गौशाला में गौशाला समिति का भवन बनाया गया है, गौशाला संचालन समिति का। ऐसे कई स्कूलों में भी अपने फंड से योगदान दिए हैं और भी जो इनको 14वें वित्त से तो कोई योगदान नहीं था सरकार की ओर से, किंतु 15वें वित्त में इनको योगदान जो मिला उस योगदान में इन्होंने PCC सड़क का निर्माण कराया अपने गांव में, अन्य प्रखंड गांवों में भी इन्होंने विकास का कार्य किया है। तो मिला जुला कर देखें तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य रहा है और बहुत ही संघर्षित महिला हैं, बहुत ही स्वाभाविक महिला हैं। इनका जो विचारधारा है बहुत ही मतलब गरीबों के प्रति हमदर्द भरा है और निश्चित ही हम लोग इस बार पूरे जोर शोर से इनका समर्थन कर रहे हैं और इस चुनाव में 100 नहीं बल्कि 120% की गारंटी देते हैं कि बबीता देवी फिर से पंचायत समिति सदस्य के पद पर निर्वाचित होंगी और कोशिश भी रहेगा कि अगला प्रमुख भी यही होगी। धन्यवाद। और बताइए आप लोग क्या सोच रहे हैं? काम किया है सर, काम किया है, वोट तो देंगे। वोट मांगने आ रहे हैं? वोट तो देंगे। किनको? बबीता देवी को। बबीता देवी को क्यों देंगे? विकास किया है और थोड़ा बाकी है, वो भी पूरा करेगा आपकी बात। तो साफ तौर पर मैं क्षेत्र में विकास हुआ है ऐसा यहाँ के मतदाताओं का मानना है और खास बात जो रहा कि इन्होंने 7 वर्ष तक जो प्रमुख का कार्यभार निभाया तो मधुपुर प्रखंड को यूं कहें कि भारत सरकार के द्वारा, जो अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है, 25 लाख का फंड भी मिला है, तो जरूर ऐसा मानना है कि अगर इस बार ये जीतती हैं यहाँ से तो फिर से एक बार प्रमुख बन सकती हैं, ऐसा इन सबों का दावा है। लेकिन ये आने वाला 24 तारीख तय करेगा कि मतदाता किन्हें मत पेटी में अपना मत देकर फिर से गड़िया पंचायत भेजते हैं। सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, न्यूज लाइन।